आयोजित किए गए वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत लखीमपुर में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लखीमपुर के जमनाबाद फार्म में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंडलायुक्त लखनऊ एवं जिले के नोडल अधिकारी रंजन कुमार भी शामिल हुए। जमनाबाद फार्म में जनपद की दर्जनों समूह की महिलाओं ने अपने अपने समूह की महिलाओं के साथ में वृक्ष लगाए। मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रदेश का जो 30 करोड़ वृक्षारोपण और जन आंदोलन के थीम पे जो कार्यक्रम आज चल रहा है उसमें यहाँ पे लखीमपुर में 190 वन विभाग की साइट से लगभग 25,000 अन्य विभागों की साइट से उसी के तहत ये कार्रवाइयाँ हो रही है। और इसमें आज यहाँ पे देखें 30,000 वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं उनके द्वारा 1100 के करीब हैं वो लगा रहे हैं। आप देखें कि हम लोग शुरू से ही प्रकृति पर निर्भर हैं और निश्चित रूप से हम लोग के जीवन अस्तित्व के लिए और अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि शुद्ध वातावरण हो, क्लाइमेट चेंज पे पकड़ हो, रोक लगे, उसके लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण कड़ी है। ये न केवल कटान रोकता है, बाढ़ अकाल सबको ये रोकथाम करने में सक्षम है। और निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग डेवलपमेंट के साथ हम लोगों ने वृक्ष को दोहन किया है तो ज़रूरी है कि मास लेवल पर वृक्षारोपण हो और साथ ही साथ लोगों में भी जागरूकता है इसके प्रति और उनके द्वारा भी इसके प्रति आगे कदम बढ़ना चाहिए। उसमें ये जन आंदोलन के रूप में ये बहुत अच्छी कड़ी है, बहुत अच्छा डीएम साहब की मेहनत से और सीडीओ साहब की मेहनत से ये अच्छा कार्यक्रम हुआ है। डीएफओ सभी ने काफ़ी इंटरेस्ट किया और हम लोग लक्ष्य का 100% पूरा किया। अभी कोविड का दौर गुजरा है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है, उसको किस तरह से देखते हैं इस वृक्षारोपण को इस बार? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इसको ओवरऑल आप समझें कि पूरी प्रकृति पर निर्भरता है हम लोग का जीवन और उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी वातावरण बना के रखें, हम अपने लिए भी रखें कि न केवल हमें